Class 9th, English worksheet number 45, date 17th of October 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. We know that determiners are the words written before the nouns and they specify, identify, or quantify the nouns. और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग दम हम जानते हैं कि डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लिखे जाते हैं और जो स्पेसिफाई करते हैं आइडेंटिफाई मतलब पहचानते हैं और क्वांटिफाई मतलब क्वांटिटी बताते हैं किसकी नाउनस की या नाउन फ्रेजेस जो कि डिटर्मिनर्स के बाद आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इन देंटेंस दिस इज़ माई बुक बुक इज़ अ नाउन and the word my tells that the book belongs to me this is my book mein book jo hai ye noun hai aur book ke sath jo my laga hai wo ye hame batata hai ki ye book meri hai the determiner my refers to a book which is mine मतलब जो my जो हमने determiner use किया है वो इस बात को refer करता है कि ये book मेरी है माई मतलब मेरी है डिटर्मिनर्स मेनली हैव टू फंक्शन्स डिटर्मिनर्स के दो फंक्शंस होते हैं रेफरिंग टू द नाउन नाउन को रेफर करना एंड क्वान्टिफाइंग द नाउन और नाउन को क्वान्टिफाई करना उसकी कितनी क्वान्टिटी है उस बारे में बताना लेटर्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ डिटर्मिनर्स अब हम डिटर्मिनर्स के फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं नंबर वन स्पेसिफाइंग डेफिट डेफिनेटनेस ऑफ नाउन्स कि नाउन कितने डेफिनेट हैं कितने इंडेफिनेट हैं इसके बारे में जानने के लिए या जो हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनर्स वो होते हैं आर्टिकल्स ए एन द ए और एन इंडेफिनट आर्टिकल हैं और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है और ये डिटर्मिनर्स हैं नंबर टू डिमॉन्स्ट्रेटिंग वेयर एन ऑब्जेक्ट ईवेंट और परसन इज़ इन रिलेशन टू द स्पीकर इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है इस चीज़ को दर्शाता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु या कोई घटना किस तरह से स्पीकर मतलब बोलने वाले से रिलेटेड है जैसे इसके लिए जो हम डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं वो वर्ड्स होते हैं दिस दैट दीज दोज कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव नंबर थ्री शोइंग ओनरशिप रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन ऑफ समवन समथिंग और प्लेस मेरा तुम्हारा उसका इसका इस तरह की जो ओनरशिप दिखाने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पोजेसिव डिटर्मिन जैसे माई योर इट्स हिज

एनी ये होते हैं क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट इंफॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ अ नाउन किसी नाउन का नंबर बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन इलेवन ये सब नंबर्स हैं नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज़ शेयर्ड आउट और डिवाइडेड ये एक्सप्रेस करना कि हम किस तरह से किसी चीज़ को शेयर करते हैं या डिवाइड करते हैं उसके लिए हम लगाते हैं ईच एवरी ईदर नीदर ऑल बोथ ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटि राइट right? कि किस तरह से हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवाइड करते हैं या शेयर करते हैं तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनट होते हैं उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव यानी जब प्रश्न पूछने के लिए हम किन डिटर्मिन का यूज़ करते हैं क्वेश्चन अबाउट अ नाउन एक नाउन के बारे में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं विच हु रीड द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स अब हमें एक नीचे कॉन्वर्सेशन दे रखी है बातचीत दे रखी है अब हम इसे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करेंगे किससे फिल करेंगे डिटर्मिनर्स भरेंगे उसमें बीना द कॉन्वर्सेशन इज़ बिटवीन बीना एंड अजया बीना नमस्ते दीदी वॉट डू यू वॉन्ट टू बाय टुडे अजया नमस्ते बीना आई वॉन्ट टू बाय सम बनानाज क्वान्टिफायर बताना चाहती हैं कि कितने क्या some, कुछ, बीना सी दीज बनान आर फ्रेश डिमॉन्सट्रेटिव इशारा करते हुए कि ये जो बनानाज हैं ये फ्रेश है अजया यस yes. पैक अब इसमें नंबर बताना है कितने बनाना पैक करें ट्वेल्व बनानास टेन सिक्स जितने बनाना चाहिए तो अजया कह रही है यस पैक ट्वेल्व बनानास यहाँ नंबर आ गया तो वो पूछती है इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछ रही है विच फ्रूट इज़ दैट वो कौन सा फ्रूट है बीना दीदी दैट डिमॉन्सट्रेटिव इशारा करते हुए उधर कि वो फ्रूट जो है दैट फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट अजया वॉट इज़ द कॉस्ट इसका कॉस्ट क्या है तो यहाँ हमने किसका पूछा ड्रैगन फ्रूट का तो यहाँ पर आ गया एक डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल होता है द बिना इट इज रुपीज थ्री फिफ्टी पर के जी अजया आई एम नॉट बाइंग इट हाउ डज़ इट टेस्ट लाइक बीना इट टेस्ट लाइक अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर यहाँ आर्टिकल हमने लगाया अ अजया गिव मी हाफ के जी ऑफ बोथ कीवीज एंड पियर्स डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों बता दिए भाई हमें हाफ के जी कीविस दे दो और हाफ के जी पीयर्स दे दो बिना एनीथिंग एल्स दी कुछ और नो no पीना थैंक यू आई हैव बॉट इनफ फ्रूट्स टूडे क्वान्टिफाइ मतलब जितना मुझे चाहिए था मैंने काफ़ी ख़रीद लिया फ्रूट नाओ प्लीज़ वे अब इसका तोल करो एंड पैक ऑल फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऑल सारा फ्रूट जो है वो पैक कर दो तो ये था हमारा आज की एक्सरसाइज अब नीचे एक आपके लिए मैसेज है उसको हम पढ़ते हैं कीप मेंटेनिंग फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स कि हमें फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करके रखना है चाहे वो दो हाथ का हो या सिक्स फीट का हो और ये किसके लिए ज़रूरी है ताकि हम कोविड नाइन्टीन से बचे रहें तो बेटा ये था आपका आज का एक्सरसाइज हमने की और वर्कशीट की हमने डिटर्मिन के बारे में आई होप यू इंजॉय द यू इंजॉय द सेशन थैंक यू हैव अ ग्रेट डे प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन